हेलो एवरीवन, मायसेल्फ प्रमोद ढाका और मेरे साथ हैं हेमंत अग्रवाल। तो डियर, आज के इस सेशन में हम आपके लिए गुरुनीति का हमारा अगला वीडियो लेकर आए हैं फिजिक्स का, जिसमें हम सेंटर ऑफ मास और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू डील करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करें सर। जी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को एक करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है, एज सीन इन द फिगर, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर फ्रॉम व्हिच अ स्मॉल डिस्क इज कट such that the periphery of a small disc touch the large disc whose radius is r by 2. Find the distance of center of mass of the remaining part from the center of the large disc. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहे हैं कि एक बड़ा डिस्क है, इसमें से हमने एक छोटा डिस्क काट के निकाल लिया। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये वाला जो डिस्क का पोर्शन है ये बच गया है, और ये जो पोर्शन है जो बीच वाला ये कैविटी है, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग डिस्क है जिसको मैंने रेड कलर से शेड किया है, हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए जो है, जब कैविटी वाली बॉडीज होती है ना, कैविटी वाली बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास के लिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। जैसे अगर हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है तो हम लिखते हैं xcm इज इक्वल टू कैपिटल m इनटू x माइनस m1x1 डिवाइडेड बाय m माइनस m1, है ना। अगर दो कैविटी है तो माइनस m2x2 और नीचे जो है माइनस m2 और कर देंगे, ठीक है। तो इसेंशियली यहां पर हम लोग ये कह रहे हैं कि कैपिटल m जो है ये उस बॉडी का मास है जबकि कैविटी नहीं थी, ठीक है, और स्मॉल m1 जो है ये उस बॉडी का मास है जिसको हमने कट करके बाहर निकाल लिया है, ठीक है। कैपिटल x जो है यहां पर, x जो है वो कंप्लीट बॉडी का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, और x1 जो है वो कैविटी के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये बॉडी है, ये डिस्क है, और हमने यहां से कैविटी कट करके निकाल लिया है, ठीक है। इसका रेडियस अगर स्मॉल r होगा तो इसका रेडियस जो होगा वो r बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ओरिजिन अगर माने तो कंप्लीट बॉडी का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर होगा, ठीक है, और जो कैविटी का सेंटर ऑफ मास होगा ये r by 2 पर होगा। अब यहां से देखते हैं, अगर हम कंप्लीट बॉडी का देखें तो कंप्लीट बॉडी का रेडियस r है और कैविटी का रेडियस r by 2 है। एरिया की बात करते हैं तो एरिया जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के स्क्वायर के, और मास किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और ये प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के। तो अगर हम कंपेयर करके देखें, कंप्लीट डिस्क को देखेंगे और ये छोटे वाले डिस्क को देखेंगे, तो छोटे वाले डिस्क का जो रेडियस है वो आधा है। रेडियस आधा होने का मतलब है कि इसका एरिया 1/4 है। एरिया 1/4 हो गया तो मास इसका 1/4 हो गया, ठीक है। तो अगर कंप्लीट डिस्क का मास अगर हम लोग कैपिटल M मानेंगे तो ये जो कैविटी का मास है ये हमारा m डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट तो लिख ही लिए हैं, कंप्लीट का जो है वो सेंटर पर है, वो तो ओरिजिन पे 0 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, और जो कैविटी का जो है वो r / 2 पे हो जाएगा। ये वैल्यूज हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं। तो जो कंप्लीट मास है वो हम लोग अगर कैपिटल M माने, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो x इक्वल टू 0 पर है, माइनस कैविटी का मास जो है वो m बाय 4 पर है, इनटू सॉरी कैविटी का मास जो हो गया वो m बाय 4 हो गया जो हमने रिमूव किया है, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय m माइनस m बाय 4। इसको सॉल्व करके देख लें तो ये आ जाएगा माइनस आर डिवाइडेड बाय 6, है ना। तो माइनस आर डिवाइडेड बाय 6 आंसर है। तो ये सेंटर, इसके सेंटर से जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा वो आर बाय 6 पर होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या कंसेप्ट डील किया है, मतलब हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूले की बात की है, वैसे आया क्या कि हमने इस कंप्लीट को यदि मैं वापस से इसके प्लेस पर डिस्क पुट कर दूं जी तो ये दो बॉडीज होगी, हाँ, एक बॉडी विदाउट विद कैविटी और दूसरा कैविटी वाली बॉडी। हाँ। तो जिन दोनों के एक बॉडी का मास तो है ये कैपिटल M माइनस M1, बिल्कुल, और दूसरी बॉडी का मास है स्मॉल M1। तो यदि अपन दो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास प्रिंसिपल ऑफ सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन से देखें, M1 x1 plus M2 x2 upon M1 plus M2, तो दिस इज दी M1, दिस इज x1, दिस इज M2, दिस इज x2, तो M1 x1 plus M2 x2 upon M1 plus M2, दैट इज कैपिटल M, वहां से अपन xcm कैलकुलेट किया है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बोल रहा है दैट अ मैन ऑफ मास 80 केजी इज राइडिंग ऑन अ ट्रॉली ऑफ मास 40 केजी व्हिच इज रोलिंग अलोंग अ लेवल सरफेस एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ही जंप्स ऑफ द बैक ऑफ द ट्रॉली सो दैट हिज स्पीड रिलेटिव टू द ग्राउंड इज 1 मीटर पर सेकंड
in the direction opposite to the motion of trolley, what is the speed of trolley after off jumps? मतलब सर ये सीधा सीधा दिख रहा है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है कि भाई आप किसी फ्लैट सरफेस पे, यहाँ पे अपने पास ट्रॉली है, इस पे पर्सन प्लेस्ड है, मास की यदि मैं बात करूं तो मैन का मास है 80 और ट्रॉली का मास है 40 और ये कंप्लीट सिस्टम इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूविंग है। उन्होंने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की तो अपन मान लेते हैं इधर है। फिर वो बोल रहा है कि फाइनली ये जो मैन है ये जंप कर गया इस डायरेक्शन में और इसकी स्पीड ये रिलेटिव टू द ग्राउंड 1 मीटर पर सेकेंड बोल रहा है। ये बोल रहा है कि इसकी स्पीड इधर कितनी होगी। भाई पर्सन ने जंप के टाइम ट्रॉली पे फोर्स लगाया, ट्रॉली ने पर्सन पे फोर्स लगाया, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वी कैन से दैट द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो लीनियर मोमेंटम यदि कंजर्व है तो अपने को तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल पुट करना है। दैट वैल्यू इज इक्वल टू पी इनिशियल, दैट वैल्यू इज 80 प्लस 40 120 इनटू 2 दैट इज 240 इक्वल टू पर्सन का मास 80 तो 80 इनटू 1 बैकवर्ड जा रहा है तो माइनस 80 इनटू 1 प्लस में 40 इनटू वी। यदि अपन यहां से v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सर तो ये आ गया अपने पास 8 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है सर, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है तो करेक्ट आंसर जो इसका आ रहा है दैट इज द 8 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ाएं सर बात को। बिल्कुल, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल m विद अ स्मॉल बॉक्स ऑफ मास स्मॉल m प्लेस्ड ऑन रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। The box is set in motion in the horizontal direction with velocity u. To what maximum height block will go? ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि एक हमारे पास एक बॉडी है कैपिटल M मास की और यहाँ पर एक कर्व सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर एक हम लोग स्मॉल m मास की बॉडी रख करके इसको u वेलोसिटी से पुश कर देते हैं, ठीक है। तो होगा एसेंशियली क्या कि तो होगा एसेंशियली ये कि ये ब्लॉक जो है ये धीरे धीरे पहले ऊपर चढ़ रहा होगा, ठीक है, और मे बी आफ्टर सम टाइम जो है ये ब्लॉक शायद यहाँ पहुंच गया होगा, ठीक है। और जब ये ब्लॉक इसके ऊपर चल रहा होगा ना तो द स्मॉल एम जो है वो कैपिटल एम के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो जिसके कारण इस कैपिटल एम को एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिलेगी, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट पे जब है, जब ये स्मॉल एम मैक्सिमम हाइट पर है मतलब उसके और ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग सेफली एक बात ये कह सकते हैं कि स्मॉल एम की वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो गया होगा, ठीक है। तो स्मॉल एम की वेलोसिटी जो है वो सिर्फ अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रही होगी। दूसरी बात हम लोग ये यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों हमेशा कॉन्टैक्ट में है, तो दोनों हमेशा कॉन्टैक्ट में है इसका मतलब है कि दोनों की वेलोसिटी इस समय में जो है वो सेम रहनी चाहिए, तब तो कॉन्टैक्ट में रहेंगी। वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी तो कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, पहली बात कि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया है, ठीक है, और दूसरी बात है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों की वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये बराबर है, ठीक है। अब जो हम लोग ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो प्रिंसिपल अगर हम देखें स्मॉल एम कैपिटल एम को अगर एक बॉडी माने, ठीक है, तो एटलीस्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। स्मॉल एम एंड कैपिटल एम विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दूसरी बात, अगर हम फोर्सेस देखें तो यहां पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन है तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो है, तो यहां पर मैकेनिकल एनर्जी भी हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो काम करने वाले हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे और एक पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको दो बार बना लेते हैं, ठीक है, एक बार जब स्मॉल एम यहां था और एक बार जब स्मॉल एम यहां पर था, तो ये हमारा स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, इसकी वेलोसिटी यू है, और जब ये यहां पहुंच गया तो इस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी एक साथ वी है और इस पूरे सिस्टम का मास हम लोग एक साथ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम लिख सकते हैं। और ये हाइट कितनी हाइट तक गया, तो ये मान लेते हैं कि हम लोग ये एच हाइट तक गया होगा, ठीक है। एक बार लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं, तो यहां से हम लोग लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो ये हो जाएगा एम यू इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी, है। तो यहां से फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी
दैट इज एम यू डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब हम लोग एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। एनर्जी कंजर्व करने में शुरुआत में जो ये ब्लॉक है इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख लेते हैं हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू, बाद में जो ये सिस्टम है इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और पहले के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिख लेते हैं एम जी एच प्लस, अब जो नई वाली काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ इंटू एम प्लस एम इंटू इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि अब जो सिस्टम की वेलोसिटी है वो वी हो गई, उसको सॉल्व करना है और v की वैल्यू जो है यहां से हम लोग पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच प्लस हाफ इनटू, अब m प्लस m है v स्क्वायर, यहां पर v स्क्वायर पुट करेंगे तो एक बार ये m प्लस m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हमारे पास बचेगा m स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस m। ठीक है, एक m यहां से, एक m यहां से, एक m यहां से कैंसिल कर देते हैं, लेट्स से इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये 2 और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और मे बी इसको इधर कॉमन ले करके यहां से u स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस स्मॉल m बाय स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल m, है ना, स्मॉल m प्लस कैपिटल m। ठीक है, और यहां अपने पास बच जाएगा 2 जी एच। ठीक है, तो ये हाइट h कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, और इसके साथ आ जाएगा m प्लस m और ऊपर एक कैपिटल m और आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट जहां तक ये सिस्टम जाएगा, तो ये फोर्थ हमारा जो है ना, ये फोर्थ वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा था, थ्री पॉइंट मासेस आर प्रेजेंट इन द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर, पर तीन पॉइंट मासेस दे रखे हैं, ये वाला 3 केजी, ये 5 केजी और ये 10 केजी, विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम शोन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द थ्री पॉइंट मास सिस्टम है। वो ये जानना चाह रहा है कि इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कहां होगा, तो एक बेसिक सा कांसेप्ट है अपने पास की टोटल मास दैट इज 18, इतना आ रहा है, वैल्यू विल बी दिस इज 20 एंड दिस इज 40, सो दिस इज 60, 60 बाई 18 बोले तो 20 by 6 बोले तो 10 by 3, 10 by 3 बोले तो 3.33, तो एक तो फर्स्ट वाला ही हो गया, वैसे तो YCM कैलकुलेट सी हो जाएगा, YCM भी फिर भी कैलकुलेट करके अपन बता दें, तो YCM की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3 into 0 प्लस में 5 into 0 प्लस में 3 into 10 divided by the total mass that is 18, so this value is 30 by 18, we can say that is 5 by 3, 5 by 3 बोले तो 1.67 आ जाएगा। So the correct answer is first one for this question। चलो सर आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। Next question जो है, इसमें लिखा है a man of mass capital M stands at one end of a plank of length L which lies at rest on a frictionless surface. The man walks to other end of the plank. If the mass of plank is M by 3, the distance that man moves relative to ground is, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास एक प्लैंक है ना, और इस प्लैंक का जो मास है वो m by 3 दे रखा है, है ना? बिल्कुल सर। इस प्लैंक का जो मास है वो m by 3 दे रखा है, और इसके ऊपर एक एक आदमी खड़ा है जिसका मास m है और इस प्लैंक का जो लेंथ है वो l के बराबर है। ठीक है, और ये आदमी जो है ना इस प्लैंक पे चल के दूसरे एंड पे पहुंच जाता है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है ना, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, तो हमें ये बताना है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो है ये प्लैंक कितना मूव किया। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा करते हैं, ये प्लैंक जो है जब ये आदमी आगे जाएगा है ना, तो ये प्लैंक पीछे जाएगा, है ना, क्योंकि जब आदमी आगे जा रहा है तो आदमी पे फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, जिसके कारण आदमी आगे मूव किया, तो प्लैंक पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा तो प्लैंक पीछे जाएगा। तो प्लैंक जो है मान लेते हैं ये प्लैंक मूव करके यहां तक आ गया और ये आदमी जो है ये इसके दूसरे एंड पे पहुंच गया,
मान लेते हैं कि प्लैंक कितना मूव किया, प्लैंक एक्स मूव करता है, प्लैंक अगर एक्स मूव करता है तो ये आदमी जो है यहाँ के कंपैरिजन में अगर देखें तो आगे कितना गया, तो ये एल माइनस एक्स आगे गया होगा, ठीक है। और अब देखिए अगर सिस्टम पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, है ना। जो मैन है वो प्लैंक पे फोर्स लगाएगा, प्लैंक मैन पे फोर्स लगाएगा, लेकिन आदमी और प्लैंक को अगर एक सिस्टम मान ले तो कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो सिस्टम पे नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है ना, सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे रहेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 जो है ये जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो m1 जो आदमी का मास है वो कैपिटल M है, और आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये L माइनस एक्स के बराबर है, प्लस जो प्लैंक का मास है वो m बाय 3 है, और जो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस एक्स है, ठीक है, क्योंकि ये राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेंगे, तो ये हमारा माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके जीरो कर दें इसको, तो ये m और m कैंसिल हो जाएगा, तो लेट से यहां पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3l माइनस 3x माइनस x जो है, ठीक है, 3 जीरो में चला जाएगा तो ये जीरो हो गया, तो 3l जो है वो 4x के बराबर हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3l बाय 4। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट किसका बताना है, मैन का डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट जो मैन का होगा वो l माइनस x के बराबर होगा, तो l माइनस x की जो वैल्यू होगी वो l बाय 4 के बराबर होगी, हमारा आंसर जो होगा वो l बाय 4 होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर एक तो सारा सर देखो मैं इसमें एक ट्रिक बतलाता हूँ, एक्चुअली क्या है कई बार है ना, मतलब अपन जब डाटा लिखना चाहते हैं ना तो बहुत सिंपल वे में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कि जैसे मान लो कि अपन यही वाला केस कर रहे थे, हमने कहा मैन इधर मूव करके गया, प्लैंक इधर मूव करके गया, मैन फाइनली इस वाले पॉइंट पर पहुंचा, सही बात है, बिल्कुल। तो हमने कहा सर टोटल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट वैसे होना नहीं चाहिए, होगा जीरो होगा, तो वही m1 x1 plus m2 x2 वाली जो बात है उसको आगे एक फॉर्मूला फॉर्म में बताना चाहता हूं, कि भाई अपन ने लिखा मास ऑफ प्लैंक इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक प्लस में मास ऑफ पर्सन, मैन लिख लेते हैं, मास ऑफ मैन इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, दैट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, जीरो बात सही है सर। तो इसको अपन लिख सकते हैं मास ऑफ प्लैंक इनटू में डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक प्लस में मास ऑफ मैन इनटू में डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, दैट वैल्यू बिकम्स टू जीरो, बिल्कुल बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है सर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन जो है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन माइनस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, तो यहां से यदि अपन डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक कैलकुलेट करते हैं तो दैट वैल्यू कम्स एज माइनस मास ऑफ मैन डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक डिवाइडेड बाय द मास ऑफ मैन प्लस मास ऑफ प्लैंक, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास आ गया, और ये हमेशा वैलिड है सर, मतलब नंबर ऑफ पर्संस टू होंगे, जैसे मान लो दो पर्संस एक प्लेस एक इधर है एक इधर है, दोनों अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं तो भी ये फॉर्मूला वैलिड, वैसे आपने जो किया उसी का शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कि बच्चे यदि डायरेक्टली इस बात को याद रखना चाहे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फेमस क्वेश्चंस मिलते हैं, बिल्कुल। तो यहां से यदि अपन बात करें देखो डायरेक्टली जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक जो आ रहा है दैट इज मास ऑफ मैन इज कैपिटल एम इनटू दिस इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक, तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में मैन का डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इवन इससे अपना आंसर भी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो इधर है, तो एल आई कैप डिवाइडेड बाय, इसको अपन याद रखना चाहें तो अपन इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस इज द टोटल मास, टोटल मास, और टोटल मास की बात करें तो दैट इज 4m / 3, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 3l / 4 आई कैप, तो ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक आ गया, यदि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट करना है तो अपन डायरेक्टली x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है l / 4 उसका भी आंसर आ जाएगा, बट ये मतलब यहां पे भी इवन कई बार है ना बच्चे उस उन क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वो इनिशियली रेस्ट में था फिर वो मूव करने लगा और उसके रिलेटिव चल रहा हूं, तो यदि मैं इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करता हूं तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक कैन बी रिटन एज माइनस मास ऑफ मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ पर्सन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक डिवाइडेड बाय द टोटल मास, मतलब इवन वहां भी ये फॉर्मूला जो है
कि यदि पर्सन प्लैंक पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्लैंक की स्पीड क्या होगी, बहुत इजीली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो सर बढ़ाएं बात को आगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, अभी अपन ने डिस्कस किया है तो उस बात को यहां अप्लाई करके देखते हैं अपन। क्वेश्चन में बोल रहा है सर कि दैट इज शोन इन फिगर, ए स्मॉल बॉल ऑफ मास स्मॉल एम इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बेल्ट, इट स्लाइड्स ओवर इट एंड फॉल्स फ्रॉम द एज ऑफ द कार। Find the distance the flat car with the wedge moves till the ball from the edge. मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये बॉल जब इस एज से फॉल कर जाता है तो मेरे को ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैलकुलेट करके बताना है। तो ये जो फॉर्मूला है सर, अपन वैसे भी क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अपन उसकी तो बात नहीं करेंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स mg वर्टिकल में तो लगी रहेगी, तो हम केवल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं और कार वैसे भी हॉरिजॉन्टली जा रही है। तो मास, पर्सन का मास है 1 kg, ट्रोली का मास है 10 kg, तो सिस्टम का टोटल मास हो गया 11 kg। और बॉल यदि यहां से यहां आती है तो ट्रोली के रेस्पेक्ट में पर्सन का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो एल हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार की यदि मैं बात करता हूं तो दैट वैल्यू इज माइनस ऑफ एम इंटू एल आई कैप डिवाइडेड बाई द टोटल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, दैट वैल्यू बिकम्स माइनस एल बाई 11। बहुत सिंपल, यदि वो फॉर्मूला याद है तो अपन इससे आगे मूव कर सकते हैं। बिल्कुल पढ़ाएं सर बात को आगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अ बॉय ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म ए ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस होल्डिंग अ रोप अटैच्ड टू अ बॉक्स पी, बॉय पुल द रोप विद कांस्टेंट फोर्स एफ इक्वल टू 50 न्यूटन, कंबाइंड मास ऑफ द प्लेटफॉर्म ए एंड द बॉय इज 250 kg, है ना। मतलब ये जो कंबाइंड मास है ये 250 kg दे रहा है, ठीक है। एंड एट ऑफ द बॉक्स बी इज 500 kg, है ना। ये जो बॉक्स बी का मास है ये 500 kg है। द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बॉक्स बी 5 seconds आफ्टर द बॉय ऑन ए बिगिंस टू पुल द रोप विल बी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है ना सर। एक बार बिल्कुल सर, हाँ। तो यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि ये आदमी जो है ये प्लैंक पे, बॉय जो है ये प्लैंक पे खड़ा है और यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है। और ये जो बॉय है ये ब्लॉक पे 50 न्यूटन का फोर्स से जो है ब्लॉक को खींचता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं कि यदि इस रस्सी में 50 न्यूटन का टेंशन है तो इस ब्लॉक पे 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और इतना ही 50 न्यूटन का जो फोर्स है ये इस बॉय पे भी लगेगा, ठीक है। और एक बात हमें मान लेनी चाहिए जो कि एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ नहीं है कि जो बॉय है और प्लैंक है इनके बीच में कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है, है ना। मतलब ये लोग दोनों जो है वो इनको हम एक सिस्टम मान सकते हैं, ये एक मास मान सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसिनसली क्या होगा, इस 50 न्यूटन फोर्स के कारण ए जो है ये थोड़ा सा आगे जाएगा और बी जो है ये थोड़ा सा पीछे आएगा, ठीक है। तो दोनों को वेलोसिटी मिलेगी, दोनों की वेलोसिटी कैलकुलेट करके फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है बेसिकली मैं जस्ट इसको बहुत सिंपल रखना चाहता हूं, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, इस पर लगेगा फोर्स कितने का, 50 न्यूटन का। इस पे लगेगा फोर्स कितने का, 50 न्यूटन का। इसका जो मास है 250 kg है, इसका जो मास है वो 500 kg है, ठीक है। तो यहां पर 5 seconds बाद की बात करते हैं, अगर हम 5 seconds बाद की बात करें, है ना। तो यहां पर चाहे तो हम लोग ना सिंपल इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल, क्या इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स इनटू टाइम जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम के लिए लिख सकते हैं फाइनल मास इनटू वेलोसिटी, और इनिशियली ये लोग रेस्ट पे है, ठीक है। तो फोर्स हमने लगाया 50 × 5 = ये हो जाएगा 250 × इसकी वेलोसिटी को हम लोग v1 लिख लेते हैं। तो यहां पर जो वेलोसिटी v1 हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 1 meter per second, ठीक है। सिमिलरली अगर 5 seconds के बाद अगर ब्लॉक b की वेलोसिटी को हम लोग अगर v2 लिख ले, ठीक है, तो फिर से हम लोग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा ले। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे कि अगेन लिख लेंगे फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अगर हम लोग वेक्टर साइन का ध्यान भी रखें, अगर हम लोग राइट साइड पॉजिटिव मान रहे हैं लेफ्ट साइड नेगेटिव मान रहे हैं, तो यहां पर फोर्स हो जाएगा माइनस 50 × 5 = फाइनल वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में मिलेगी। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग लिख लेते हैं v2 × मास इज 500 माइनस
इनिशियल इज जीरो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 250, तो यहाँ पर जो v2 की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/2, ठीक है, ये माइनस में आ जाएगी, -1/2, ठीक है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी है, अगर तो क्या कर सकते हैं, रिलेटिव स्पीड को ऐड कर सकते हैं सिंपली हम लोग, तो यहाँ पर जो v रिलेटिव होगा ये सिंपली हो जाएगा 1 + 1/2, दैट इज 3/2 मीटर पर सेकंड, तो बहुत ही सिंपल सा बिल्कुल सर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर जो है सेकंड होने से करेक्ट, हां करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है दैट टू मैन ऑफ मासेस 60 केजी एंड 80 केजी आर सिटिंग एट द एंड्स ऑफ अ बॉट ऑफ मास 60 केजी एंड लेंथ 4 मीटर, मतलब सिचुएशन कुछ इस टाइप की है कि ये बॉट है मेरे पास 60 केजी की, इसकी लेंथ अपने को गिवन है कुछ 4 मीटर, एक साइड में एक पर्सन 60 केजी का प्लेस्ड है और दूसरी साइड में एक पर्सन 80 केजी का प्लेस्ड है, ठीक है सर, फिर ये बोल रहा है द बॉट इज स्टेशनरी इफ द मैन नाउ एक्सचेंज देयर पोजीशन साइमल्टेनियसली, देन यदि मैन जो है वो साइमल्टेनियसली अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, तो इसमें दो चीजें हैं सर, मतलब ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दो दे रखे हैं कि एक तो सेंटर ऑफ मास दोनों मैन का जो है उसका डिस्प्लेसमेंट और एक बोट जो है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो बॉट के डिस्प्लेसमेंट के लिए तो मैं सीधी सीधी बात करूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉट इज इक्वल टू, मैंने उसमें बोला था सर देखो एक के प्लेस पर दो भी पर्सन हो तो अपन दोनों का भी लगा सकते हैं, तो ये पर्सन इधर जा रहा है तो इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बॉट के रिस्पेक्ट में -4i का स्क्वायर आएगा और इस पर्सन का हो जाएगा -4i का, सो दिस वैल्यू इज 60 * 4i का, -80 * -4i का डिवाइडेड बाय द टोटल मास, तो टोटल मास तो तीनों का कंबाइन हो जाएगा, दैट विल बी 120 + 80 दैट इज 200, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉट की यदि मैं बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉट दिस वैल्यू इज -240 दिस वैल्यू इज 320, सो 80 डिवाइडेड बाय 200 दैट वैल्यू इज 0.4 मीटर, मतलब बॉट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सर इस केस में दैट डिस्प्लेसमेंट इज 0.4 मीटर, द सेकंड आंसर, सेकंड आंसर तो करेक्ट है, दूसरा इसने एक ये भी बात की है कि जो दोनों पर्संस हैं उनके सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, केवल पर्संस के सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए कि वो कितना हुआ है, तो जैसे इस पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट है ये 4 मीटर इधर, ये वाला 0.4 माइनस में आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट डाटा इज 3.6 एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, प्लस ही है सर, ये प्लस होगा तो क्योंकि ये पर्सन हैवी है और ये थोड़ा लाइट है, तो ऑब्वियसली बॉट जो है वो हैवी पर्सन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके जाएगी, तो x1 की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट इज 4.4 और x2 की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट वैल्यू इज 3.6, इनके सेंटर ऑफ मास की यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं डेल्टा एक्सियम फॉर 1 एंड 2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज 60 into 4.4 i cap minus 80 into में 3.6 i cap divided by the total mass that mass is 140, तो ये बिल्कुल इनसे सोल्व करके देखेंगे तो इनका जो net ये ना तो ये वाला डाटा आ रहा है ना ये वाला डाटा आ रहा है, so the correct answer for this question is the second one, second, चलिए सर आगे बढ़ाएं बात को, बिल्कुल तो हम अगले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, two block A and B of equal mass 5 kg are released on two sides of a fixed wedge C as shown in figure. The acceleration of the center of mass of the blocks A and B. Neglect friction. तो question में कुछ ऐसा लिखा है कि एक fixed wedge है, यहाँ पर दो block है, ठीक है, दोनों का mass 5 kg है. Let's say मैं M और M लिख देता हूँ, ठीक है, और इनको हमने यहाँ से slip करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है, तो इसका acceleration नीचे होगा, इसका भी acceleration नीचे होगा, तो मैं इनके center of mass का जो दोनों block A और B है इनके common जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो यही पर हम लोग थोड़ा सा नहीं चलिए अगले स्लाइड में करते हैं, बिल्कुल सर, तो यहां हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास ये वेज है, ये फिक्स है, ठीक है, और यहां पर एक ब्लॉक है, यहां पर भी एक ब्लॉक है, ठीक है, लेट्स से इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, m की वैल्यू 5 है, ये दे रखी है क्वेश्चन में, ये एंगल जो है ये 45 डिग्री है, ठीक है, एक बात अपने को पता है कि ये ब्लॉक जो है ये नीचे की तरफ स्लाइड होगा और इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो जी साइन थीटा होता है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो, और ये थीटा जो है ये 45 डिग्री के बराबर दे रहा है, ठीक है, तो बेसिकली ये जो एक्सेलरेशन होगा
ये g डिवाइडेड बाय रूट टू के बराबर होगा। सिमिलरली इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ये भी g डिवाइडेड बाय रूट टू के बराबर होगा। ठीक है, अब इस एक्सेलरेशन का हम लोग दो कॉम्पोनेंट देख लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। ठीक है, ये 45 डिग्री है ना, तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल में देखेंगे ना तो g बाय रूट टू कॉस 45 ये सॉल्व करके g बाय टू हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली इसका भी अगर हॉरिजॉन्टल में कॉम्पोनेंट देखेंगे तो ये भी g बाय टू हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा g बाय रूट टू साइन 45 तो ये भी g बाय टू हो जाएगा, और इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट देखेंगे तो ये भी g बाय टू हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इनके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक बात अगर हम ध्यान से देखें तो लेट से चलो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, ए सी एम अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, है ना, डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। ठीक है, तो देखिए ये सारा मास तो सब सेम है ना, मास तो सब सेम है, तो एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखेंगे तो अगर इसका एक्सेलरेशन g by 2 i cap होगा, इसका एक्सेलरेशन g by 2 minus i cap होगा, तो एसेंशियली जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनके सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो लोग ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है ये हो जाएगा अलोंग x एक्सिस की बात करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वाई एक्सिस में बात करेंगे तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, दोनों ही बॉडी का एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी बाय टू है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो है वो भी जी बाय टू होना चाहिए, और ये जी बाय टू जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर जो है हमारा सेकेंड हो जाएगा जी बाय टू डाउनवर्ड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सर करेंगे। बिल्कुल सर, तो ये बोल रहा है दैट एन इनवर्टेड टी-शेप्ड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एज शोन इन द फिगर। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है, ए फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम एज शोन इन द फिगर, जैसे फिगर में दिखाया है, द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द सिस्टम परफॉर्म्स प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। कि ये सिस्टम जो है वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करे, तो आई थिंक यदि अपन इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे यदि फोर्स कैपिटल एफ को अप्लाई करते हैं तो कैपिटल एफ का सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जो होगा दैट विल बी जीरो, तो फिर इसका केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा, मतलब हमें केवल सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैलकुलेट करनी है। तो सर इसके लिए तो यदि जैसे मान लो मैं इसको ओरिजिन कहूं तो इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन तो होगी 0.0, तो एक मास कैपिटल एम तो यहां हो गया। दूसरा यहां मैं यदि बात करूं इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली इस लाइन पर होगा मिड पॉइंट पर, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा कैपिटल एल बाई टू। तो यदि मैं यहां से देखता हूं तो एक्सीएम तो मेरे पास वैसे भी जीरो आ रहा है, और भाई अपने को बताना भी वैसे वाईसीएम ही है, तो वाईसीएम की वैल्यू होगी एम इंटू जीरो जीरो प्लस एम इंटू एल बाई टू डिवाइडेड बाय द मास एम वन प्लस एम टू दैट इज टू एम टू। तो यहां पर ये जो वैल्यू अपने पास आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज एल बाई फोर। तो सबसे पहले मतलब कंसेप्ट ये था इस क्वेश्चन में, सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन से बढ़िया कि भाई यदि अपन फोर्स को सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करते हैं तो आपका सिस्टम रोटेशनल मोशन ना परफॉर्म करके सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। तो बढ़ाएं सर बात को आगे। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है। ठीक है, कि हमारे पास एक रिंग है, हॉलो सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक है, और इस रिंग में जो है हमने यहाँ पर एक ब्लॉक फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ना तो ये ब्लॉक जो है ये स्लाइड होकर के राइट साइड में गिरने लगता है। ठीक है, तो ये ब्लॉक जब स्लाइड होकर के राइट साइड में गिरने लगेगा, तो ब्लॉक जब राइट साइड में गिरेगा ना तो ये जो रिंग है हमारा ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मूव करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है, आखिरी लाइन एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब विल बी। ठीक है, तो हमें बताना है कि ट्यूब कितना डिस्प्लेस होगा है? हमें पूछा क्या है, the displacement of the tube will be. तो ट्यूब का डिस्प्लेसमेंट हमें पूछा है, जबकि ब्लॉक कहां पहुंच गया होगा, जबकि ब्लॉक ग्राउंड पे पहुंच गया। बिल्कुल सर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास एक रिंग है। ठीक है, और मान लेते हैं कि ब्लॉक अभी इस समय यहां पर था। ठीक है, मैं कंप्लीट नहीं बना रहा हूं, इतना समय भी आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद मान लेते हैं कि जब ब्लॉक यहां पहुंच गया तो रिंग थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर के यहां तक आ गया होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो रिंग है, इस रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है ये इस डायरेक्शन में x होगा। ठीक है,
तो इसके सेंटर से अगर देखें यहां से यहां तक है ना, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक r होगा ना, तो ये डिस्टेंस जो होगा यहां से यहां तक ये r माइनस x के बराबर होगा। बिल्कुल सर, ठीक है। अब करना क्या है, अब करना हमें ये है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेंगे m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 जो है ये जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इनका मास एक बार देख लें, अगर पिछले स्लाइड दोनों का सेम, दोनों का मास जो है वो m और m सेम दे रखा है, तो ये हो जाएगा m, ठीक है। रिंग की बात कर लेते हैं, रिंग का हो जाएगा m इंटू x प्लस जो ब्लॉक का मास m इंटू r माइनस x, और ये जीरो के बराबर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो x की जो वैल्यू है ये r बाई टू हो जाएगी, यहाँ पर माइनस x। ओके सॉरी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो वो माइनस नेगेटिव डायरेक्शन, बिल्कुल। तो x की जो वैल्यू है वो r बाई टू आ जाएगी, तो थर्ड आंसर जो है ना, थर्ड आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में बोल रहा है दैट अ बॉम्ब सेल इज थ्रोन ऑब्लिकली इन एयर, इट एक्सप्लोड्स ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, फ्रेगमेंट्स फ्लाई ऑफ इन वेरियस डायरेक्शंस, मतलब एयर में ब्लास्ट हो चुका है वो। द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉम्ब फ्रेगमेंट्स विल बी, तो मतलब ये कह रहा है कि भाई वो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद उसके सेंटर ऑफ मास के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत फेमस ही बात है, और सर वैसे भी कि सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्सेस पहले थे केवल mg लग रहा था, बाद में भी mg लग रहा है, mg लग रहा, तो एक्सटर्नल फोर्सेस जो पहले थे वो उसी वे में बाद में प्रेजेंट है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो प्रेडिक्टेड पाथ होना चाहिए जो पहले था ब्लास्ट से वही उसके बाद होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास का पाथ तो पहले था पैराबोलिक, फाइनली भी इट शुड बी पैराबोलिक। तो पहला ऑप्शन वर्टिकली डाउन करेक्ट, इनकरेक्ट, अलोंग द सेम पैराबोलिक पाथ विच द इंटैक्ट बॉम्ब सेल वाज मूविंग, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर कि भाई उसी पाथ पे मूव करेगा, उसी पाथ मूव करेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का चेंज ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स उसी मैनर में प्रेजेंट है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं चेंज हुआ तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन भी नहीं बदलेगा। बिल्कुल सर, तो उसका पाथ भी सेम नहीं बदलेगा। चलिए सर आगे बढ़ाएं बात को, क्वेश्चन नंबर 13, और ये एक पैराग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों ही इसमें है। चलिए सर शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 13 में है, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m मूव्स विद वेलोसिटी v नॉट टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल m on a smooth horizontal surface, ठीक है। The velocity of center of mass is, तो पहला question है उसमें पूछा है कि center of mass की velocity है ना, ये बहुत simple सा सवाल है। Small m जो है वो v not velocity से चल रहा है, capital m rest पे है, spring का mass तो neglect करते ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग यही solve कर लें, तो अगर हम यहाँ पर velocity of center of mass लिखेंगे तो m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2, यही formula लगाना है, तो ये हो जाएगा m v not plus capital m into zero डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल m, तो ये सॉल्व होकर के हो जाएगा स्मॉल m इनटू v नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल m प्लस स्मॉल m, ठीक है। तो ये आंसर हमारा पहला हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन सर सॉल्व करेंगे, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड में ये बोल रहा है कि द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट k, मतलब ये स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम अपने को पता है सर कि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि दोनों ब्लॉक्स जो होते हैं, बोथ आर द ब्लॉक्स आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द ग्राउंड फ्रेम एंड इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम दे आर इन रेस्ट। तो यदि मैं सिंपल सा इसका डायग्राम बनाऊं कि दोनों ब्लॉक्स जो है वो मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सपेंशन के टाइम जैसे क्वेश्चंस में अपन डील करते हैं, दोनों VCM से मूविंग होते हैं, तो यहां से अपन ने जब VCM कैलकुलेट किया था तो पिछले क्वेश्चन में VCM की वैल्यू अपने पास आई थी m v नॉट डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल m कैपिटल। दूसरा, ब्लॉक्स के बीच में स्प्रिंग प्रेजेंट है, वो इस सिस्टम का पार्ट है, तो जो प्रेजेंट फोर्स है वो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, दैट मींस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो हम इसमें लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करें तो हाफ एम बी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इनटू में स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम काइनेटिक एनर्जी के लिए इनटू में वीसीएम स्क्वायर, दैट वैल्यू इज एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम स्क्वायर प्लस में हाफ के एक्सएम स्क्वायर। तो यहां से यदि अपन एक्सएम की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, सबसे पहले तो ये सही हो गया, इसको इधर ले आए तो ये डाटा अपने पास आ गया, हाफ एम वी नोट स्क्वायर
1 minus small m divided by capital M plus small m is equals to half k x m square. तो ये half भी सही हो गया. ये वाला डाटा मेरे पास आ गया m square. Sorry, this is not m square. डाटा सोल्व करने पर आ जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम वी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू के एक्स एम स्क्वायर. तो एक्स एम की वैल्यू जो अपने पास आ रही है दैट वैल्यू इज वी नोट अंडर रूट में कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय के टाइम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. तो इसका जो करेक्ट आंसर अपने पास आ रहा है सर आई थिंक फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर बढ़ाएं बात को आगे. अगला क्वेश्चन है An object of mass 3m splits into three equal fragments. Two fragments have velocities vj cap and vi cap. The velocity of the third fragment is. ठीक है. तो एक पार्टिकल है 3m मास का और पार्टिकल जो है वो इनिशियली क्या कर रहा था ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है. तो अपन हम लोग मान लेते हैं कि वो रेस्ट पे होगा. बिल्कुल सर. ठीक है. तो पार्टिकल जो है इनिशियली रेस्ट पे होगा और वो एक्सप्लोड होता है स्प्लिट होता है. ठीक है. तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा. जब कुछ एक्सप्लोड होता है तो इंटरनल फोर्सेस के कारण होता है. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व कर लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए. इनिशियल मोमेंटम जीरो मान लेते हैं क्योंकि पार्टिकल शुरू में रेस्ट पे मान रहे हैं हम लोग. बिल्कुल सर. ठीक है. तीन पार्टिकल है तीनों का मास एम होगा. ठीक है. तो पहला पार्टिकल है जिसका मास एम है और इसकी जो वेलोसिटी है वो है वी जे कैप. ठीक है. दूसरा पार्टिकल एम है इसकी जो वेलोसिटी है वो है वी आई कैप. तीसरा जो पार्टिकल है इसका मास m है इसकी वेलोसिटी हम लोग v मान लेते हैं वेक्टर v मान लेते हैं या वेक्टर v3 मान लेते हैं. ठीक है. तो ये m और ये m और ये m तो जीरो में चला जाएगा. तो यहां से जो वेक्टर v3 आएगा तो ये आ जाएगा यहां से माइनस सॉरी यहां पे माइनस में vj कैप माइनस माइनस में v कॉमन ले लें तो यहां पर आ जाएगा i कैप प्लस j कैप. तो ये जो है ये तीसरे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी. आपने 1 kg की बॉल को इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया किसी हाइट से और 2 kg की बॉल जो है उसको उसी हाइट से अपन ने रिलीज कर दी छोड़ दिया. Same height, select the correct options. Correct options choose karne. Toh kar rahe ki the center of mass of two balls comes down with an acceleration of z by 3. Toh sir, is pe adhi main center of mass ke acceleration ke baare mein baat karun, toh is ball ka jo acceleration hoga. G downward. G downward. Toh minus z ke. Is wali ball ka jo acceleration hoga. That is also minus z ke. Toh yadhi apan ACM ko lekar baat karenge, M1 X1, M1 A1 plus M2 A2 upon M1 plus M2. I think वो डाटा सीधा सीधा माइनस जी जे कैफी आ जाएगा. ऐसा सीधा भी कह सकते हैं कि सब बिल्कुल सभी बॉडीज का एक्सीलरेशन सेम है तो सेंटर ऑफ मास का भी सेम नहीं होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपना इनकरेक्ट हो गया. फिर ये बोल रहा है द सेंटर ऑफ मास फर्स्ट मूव्स अप देन कम्स कम डाउन. तो सेंटर ऑफ मास फर्स्ट मूव्स अप. तो यदि मैं सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी की बात करता हूं देन इट इज 1 * 4 प्लस में 2 * 0 डिवाइडेड बाय द टोटल मास. मतलब इसके सेंटर ऑफ मास के पास इनिशियली 4 by 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है एंड दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन और सेंटर ऑफ मास के पास एक्सीलरेशन है माइनस जी जे का देन ऑब्वियसली फर्स्ट ये अपवर्ड मूव करेगा फिर ये डाउनवर्ड मूव करेगा. तो ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है. थर्ड वाले की बात करें तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जी डाउनवर्ड्स. ऑब्वियसली अपन ने यही कैलकुलेट किया अभी. फोर्थ वाले में बोल रहा था सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉल्स रिमेंस स्टेशनरी. तो बिल्कुल गलत बात है. तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर अपने पास हो गए. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं. तो अगला क्वेश्चन करते हैं. द टू पार्टिकल ए एंड बी ऑफ मास 3 kg एंड 2 kg रेस्पेक्टिवली वन प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर विद स्पीड ua इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड एंड ub इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड. ठीक है. जो नीचे वाले पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है ऊपर वाले की वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है. इनिशियली दे आर 50 मीटर अपार्ट. ठीक है. फाइंड द मैक्सिमम हाइट इन मीटर्स अटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल. ठीक है. तो यहां पर देखें हमारे पास यहाँ पर दो पार्टिकल हैं. ठीक है. और नीचे वाला 3 kg नीचे वाला जो है वो 3 kg का है ऊपर वाला 2 kg का है. इसको हमने नीचे थ्रो किया इसको हमने अपवर्ड थ्रो किया. ठीक है. इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है
और इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड 25 मीटर पर सेकंड इनिशियल सेपरेशन 50 मीटर इनिशियल सेपरेशन 50 मीटर से ठीक है एसेंशियली यहां पर जो है तो बात है क्वेश्चन ने ये पूछा है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा तो बात है पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास है कहां फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी कितनी और एक्सेलरेशन कितना है ठीक है वहां से फिर हम लोग ये पता कर पाएंगे कि सेंटर ऑफ मास जो है वो कितनी हाइट तक जाएगा तो पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन पता कर लेते हैं ठीक है और ये जो डायरेक्शन है ना इसको हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं तो ये वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया तो यहां पर अगर हम लोग वाई सी एम लिखेंगे तो वाई सी एम हो जाएगा एम वन वाई वन दैट इज 3 × 0 प्लस 2 × 50 टोटल मास इज 5 तो ये सॉल्व करके 20 मीटर आ जाएगा ठीक है तो इनिशियली जो है वो सेंटर ऑफ मास जो है वो ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर है अब हम लोग एक काम और कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं ठीक है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग देखें तो फिर से लिखेंगे m1 v1 दैट इज 50 × 3 इज 150 ठीक है और ये नीचे आ रहा है ना तो 25 * 2 इज और यहां पर ये माइनस में आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 50 डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 5 डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 5 तो ये जो वेलोसिटी आ जाएगी ये फिर से आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड अब एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास और देख लेते हैं एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की बात करें तो ये भी दोनों बॉल फ्रीली फॉलिंग है तो दोनों का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है बिल्कुल तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी माइनस जी जे कैप लिख सकते हैं ठीक है माइनस जी जे कैप लिख सकते हैं दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी लिख सकते हैं और इसको हम लोग जे कैप लिख सकते हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में लिख सकते हैं ठीक है और इसको भी चाहे तो हम लोग जे कैप लिख सकते हैं ये ओरिजिन से इतना ऊपर है अब हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है हमें एक्सेलरेशन पता है सिंपल हम लोग ना फ्रीली फॉलिंग मोशन में जो है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिख लेते हैं ठीक है अगर हम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिख लें तो यहां से लिख लेते हैं यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 10 तो ये हो जाएगा 20 ठीक है मतलब सेंटर ऑफ मास पहले जहां था वहां से और 20 मीटर ऊपर जाएगा सेंटर मास पहले कहां था 20 मीटर ऊपर था 20 मीटर और ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा टोटल मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड होगी वो 40 मीटर 40 मीटर होगी सर ठीक है तो मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से जो होगी सेंटर ऑफ मास की ये हो जाएगी 40 मीटर है ना 20 मीटर तो पहले ही ऊपर था 20 मीटर जहां था वहां से और ऊपर जाएगा ठीक है तो आंसर 40 मीटर हो जाएगा चलिए सर ये अपना इसका करेक्ट आंसर इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है करेक्ट ठीक है 40 इज द करेक्ट आंसर चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 इसमें बोल रहा है दैट टू ब्लॉक्स ऑफ मास 3 kg एंड 6 kg रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस दे आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k = 200 न्यूटन पर मीटर इनिशियल दिस स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड एंड द आइडेंटिकल वेलोसिटीज आर इंपोर्टेड टू द ब्लॉक्स द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग्स विल बी मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो जानना चाह रहा है कि आपने सिस्टम को ऐसे छोड़ दिया तो अब इस स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपेंशन की वैल्यू क्या होगी तो बहुत सिंपली अपन मैक्सिमम एक्सपेंशन और कंप्रेशन के टाइम हमेशा ये बोलते हैं कि भाई इस टाइम पर द बॉडीज आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द ग्राउंड फ्रेम तो ये वाली वेलोसिटी 2 यदि मैं यहां से VCM कैलकुलेट करता हूं एंड दिस वैल्यू इज 12 माइनस 3 दैट इज 9 डिवाइडेड बाय द टोटल मास दैट इज अगेन 9 सो द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 1 मीटर पर सेकंड और पॉजिटिव आ रही है दैट मींस ये राइट मैक्सिमम एक्सपेंशन के टाइम दोनों ब्लॉक्स जो है 6 kg इधर मूविंग होगा 1 मीटर पर सेकंड से और 3 kg इधर मूविंग होगा 1 मीटर पर सेकंड से और इस टाइम इसमें मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा बिल्कुल तो और ये सेम बात मैक्सिमम कंप्रेशन में भी वैलिड है बिल्कुल सर तो केवल स्प्रिंग है मतलब स्प्रिंग फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में और वैसे भी इंटरनल है इसलिए अपन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं तो यदि मैं इनिशियली मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं 1/2 × 3 × 1² प्लस 1/2 × 6 × 2² = 1/2 × 9 × 1² प्लस में 1/2 स्प्रिंग कांस्टेंट 200 × x² तो 1/2 तो सही हो गया इसका दिस डाटा इज 3 + 24 दैट वैल्यू इज 27 माइनस में इधर से आया 9 = 200 x² तो ये वाली वैल्यू आ गई 18/200 दैट कैन बी रिटन एज 9/100 = x² तो x की वैल्यू जो अपने पास आ रही है दैट इज 3/10 मीटर में ही अपने पास आ रही है
यदि सेंटीमीटर में अपन बात करेंगे तो मैक्सिमम एक्सपेंशन जो इसका आएगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो करेक्ट आंसर जो है वो 30 सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। टू पार्टिकल ऑफ मास 1 केजी एंड 2 केजी आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। व्हेन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 2 मीटर पर सेकंड द सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। व्हेन The center of mass velocity when the relative velocity is 3 meter per second, ठीक है। तो ऐसा दे रखा है कि यहाँ पे दो particle हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई force लगा रहे होंगे, है ना? जैसे gravitational force जैसा कोई force हो सकता है, electrostatic force हो सकता है, ठीक है। दोनों equal हैं और एक दूसरे को attract कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें इस system के ऊपर क्या कोई external force लग रहा है क्या? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो जीरो होगा, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, है ना? तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले 1 मीटर पर सेकंड थी, तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो इसलिए यहां पर हम लोग एक बात ध्यान देना ये चाहिए कि ये दोनों बॉडीज को अगर हम लोग बहुत दूर छोड़ रहे होंगे तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, दोनों की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, बिल्कुल, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं बदलेगी। ये इंटरेस्टिंग बात है इसमें साथ। बिल्कुल सर। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोल रहा है द टू सेल विद मासेस m1 = 3 kg एंड m2 = 5 kg हैव आइडेंटिकल स्पीड v = 5 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर। दे कोलाइड एट द ओरिजिन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन एग्जैक्टली 2 सेंटर ऑफ 2 सेकंड आफ्टर द कोलिजन। वो बोल रहा है कि ये कोलाइड करेंगे और कोलाइड करेंगे ये ओरिजिन पर करेंगे। डायरेक्शन थोड़ी सी इसकी ऐसे वैसे इस टाइप से डायरेक्शन होगी कि ये 2 सेकंड बाद कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के 2 सेकंड बाद सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। तो यदि मैं सबसे पहले VCM कैलकुलेट करता हूं सर, तो VCM की वैल्यू मेरे पास दिस इज 5 और इसके पास वेलोसिटी है 5 जे क्या। इस वाले में यदि बात करूं तो इसका मास है मेरे पास 3 kg और इसकी वेलोसिटी 5 है। कंपोनेंट डालेंगे तो इधर वाला 4 और इधर वाला 3, तो माइनस का 4 आई कैप 5 cos 37.4 माइनस का 3 j कैप, ये वाला कंपोनेंट भी माइनस में ही आएगा। माइनस का 4 आई कैप माइनस का 3 j कैप डिवाइडेड बाय द टोटल मास, दैट वैल्यू इज 8। तो यहां से यदि अपन सॉल्व करेंगे दिस डाटा इज -12 y कैप / 8 दैट इज -3/2 y कैप, और j कैप में बात करेंगे तो 25 एंड दिस वैल्यू इज 19 25 minus 9 16 16 by 8 that is 2 j cap j cap। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई। अब वो बोल रहा है कि कोलाइड करने के बाद सेंटर ऑफ मास 2 सेकंड बाद ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर होगा। तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अनअफेक्टेड रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यही रहेगी। तो यदि मैं x डिस्प्लेसमेंट की बात करूं या फिर x कोऑर्डिनेट की बात करूं 2 सेकंड के बाद, तो x कोऑर्डिनेट तो -3 होगा, बिल्कुल। और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y वेलोसिटी 2 है, तो y डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो अपने पास 4 होगा। तो मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 2 सेकंड के बाद -3.4 आ गई, और वो डिस्टेंस जानना चाह रहा है कि कितनी डिस्टेंस होगी। देन ऑब्वियसली अंडर रूट 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर तो 5 आ जाएगा, डिस्टेंस विल बी 5। ठीक सर। ओके डियर, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड in the discussion center of mass and linear momentum conservation. Goodbye. Thank you.